तो देखिए यहाँ पे देव उठ चुका है, सुबह के बज चुके हैं और आज जब तक मैंने अभी आपको बताया ना, मैं नहा धो चुकी हूँ और ये भी आ गए थे तो इन्होंने बेलपत्री लेकर आ गए। अभी भी नींद आ रही है? नहीं। और आज स्कूल चेक, जाना है ना, चेक। आज आपके पेपर है ना, पक्का पेपर है ना आपके? किसका है? ओरल है ना? ऐसे एप्पल वाला सुनाओ। हाँ, बी से, सी से, जोर जोर से बोला तभी चिप्स दूंगी आपको मैं। हाँ हाँ एफ फॉर, उसके आगे जी फॉर एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मंडे का ही टाइमिंग है और करीब 8 बज रहे थे। मैं देव की स्कूल के टिफ़िन के लिए आलू के पराठे बना रही थी। और मैं आपको बता दूं कि ये उपवास ना मुझ पे मतलब भारी पड़ गया, इसलिए क्योंकि मेरा बीपी एकदम से बहुत ज़्यादा लो हो गया था। मतलब 84 था, मान के चलिए 84। वो मैडम ने बहुत ज़्यादा मुझे मेरे बच्चे के लिए बोला है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहाँ जाके उन्होंने चिल्लाया, इसके पहले भी मैं उपास थी, ऐसा नहीं है, इसके पहले भी उपास थी बट ऐसा कभी नहीं हुआ। एक्चुअली इस उपास में एक टाइम नमक खाते, एक टाइम ऐसे ही रहते हैं और मेरा ये फर्स्ट टाइम कोई उपास है। देव के टाइम में बहुत सारे उपास थे बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। चलिए आगे ही बात करेंगे अब इस बारे में। तो यहाँ पे देखिए, स्कूल जाने से पहले मैं तो मतलब कि हेयर वॉश करके आज नहाई थी क्योंकि व्रत था, तो व्रत में हेयर वॉश करके नहाओ तो अच्छा रहता है। सुबह सुबह नहा लिया था गर्म पानी से, ठंडी भी लग रही थी, साथ में देव को तैयार भी करना था। अचानक से कोहरा भी आ गया था, तो इतना कोहरा था कि रोड भी नहीं दिख रही थी, पूरी सुनी सुनी रोड थी। तो यहाँ पे मैं देव को स्कूल भेजती हूँ कैसे भी करके। मैं सोचती हूँ कि उसको मैं ब्रश तो कराऊँ, जैसे कुछ और काम, सारे काम छोड़ के ब्रश कराऊं बैठ के। तो पहले ब्रश कराया उसको मैंने, और जब तक मैं नहाई थी, लंच बनाई थी, तब तक वो मतलब कि पलंग पे ही बैठा था। उसके बाद ही फिर उसको उठाया था मैंने, क्योंकि ठंड भी थी और फिर वो फालतू में यहाँ वहाँ होता, मुझी को परेशान करता। तो इसको स्कूल मैंने भेज दिया था। फिर उसके बाद चलिए मैं आपसे तैयार होगी। मेरी पूजा की तैयारी हो गई है, मतलब अभी कहते हैं मंदिर जाना चाहिए, तो इनका नाश्ता पानी बना दिया था, इन्होंने नाश्ता पानी कर भी लिया है और देव को भी उसको छोड़ दिया है। अभी देखिए 9 बजे के टाइम में यहाँ से घर से निकल रही हूँ, 9:30 हो ही गया है और पूजा की थाली भी हो गई है। और चलिए फिर मंदिर चल के फिर आप लोगों से मिलते हैं। से बहुत अच्छे से मैं अपनी पूजा पाठ की सामग्री लेकर जा रही हूँ मंदिर। इसमें दूध दही जो भी है ना अभिषेक का सामान वो लगता है, तो मैंने एक दिन पहले ही मंगा लिया था। अब मैं सीधे मंदिर जा रही हूँ और फिर वहीं जाके मिलूँगी आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पे शंकर जी की ही पूजा करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब 3-4 लोग थे और यहाँ पे अभिषेक करते हैं, जिस तरीके से अभिषेक होता है शंकर जी का। और मैं बताऊँ आप लोगों को कि अच्छी थी मैं, सब कुछ अच्छा था, मुझे ऐसा फील भी नहीं हो रहा था कि मुझे चक्कर आ रहा है, कि कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था सच में। बट हाँ, जब मैं हॉस्पिटल गई मैडम को दिखाने, मुझे जाना ही था मंडे को, सैटरडे संडे उन्होंने मना कर दिया था, तो अचानक से इतना ज़्यादा बीपी लो, इतना ज़्यादा लो। उधर पे जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी थी ना, बोलती अरे बाप रे कितना ज़्यादा लो है, कितना ज़्यादा लो है। तो मैंने उनको बताया, जो आप पर्ची थी वो पूछ रही थी, फिर मैंने बताया कि हाँ मेरे साथ ऐसी समस्या है, बट बीपी लो बीपी हाई मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी हुआ हो, पर सडनली आज अचानक हुआ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे गुलाब जल भी था और देखिए यहाँ पे ये खेर माई मंदिर है, और ये मेरे हस्बैंड भी, और जब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार थे तो मैं यहाँ पे डेली सुबह आती थी, पर अभी नहीं आ पाती हूँ किसी कारण। पर हाँ, आज सुबह अभी आई हूँ आज, और इनका नाश्ता बना के आई थी मैं, अपना सारा काम करके आई थी। और कहते हैं ना भगवान हमें शक्ति देता है, तो मुझे शक्ति बहुत थी और हिम्मत भी जुटाई मैंने कि हाँ मैं रह लूँगी, वरना मैं सुबह सुबह नाश्ता तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि टैबलेट वगैरह खानी पड़ती है, तो जो टैबलेट मैं खाती हूँ वो खाली पेट नहीं खाते हैं। और मुझे यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे कि वीडियो बना रही है ना, काफ़ी लोगों को पता है कि यूट्यूब में चैनल है, पंडित जी को ही पता है जो यहाँ पे रहते हैं। तो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हम घर की ओर जा रहे हैं।
तो एक हाथ से थाली पकड़ी हूँ और एक हाथ से मोबाइल, तो थोड़ा सा अभी नहीं बना पाऊँगी, है ना। तो चलिए आप लोग से हम घर जाके मिलते हैं, थोड़ा सा दूर भी है ना। देखिए मैं यहाँ पे बिना चप्पल के भी गई थी और ठंड थी, पर एक्चुअली मुझे स्वेटर पहनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो यहाँ पे बहुत दूर है हमारे घर से मंदिर, मतलब कहना चाहिए दूर भी नहीं है और पास भी नहीं है, और मैं बिना चप्पलों के गई थी तो जहाँ पे गिट्टियाँ वगैरह थी ना, एक दो मेरे पैरों में भी चुभ गई थी। पर मैं मंदिर कहीं भी जाती हूँ जैसे इधर आस पास, तो मैं चप्पल वगैरह नहीं पहन के जाती हूँ। एक बाजू वाली और हमारे साथ गई हुई थी। ये देखिए अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, करीब 9, 9:30, 10 ऐसा ही टाइम हो रहा था जब मैं मंदिर को आई थी। जाते जाते 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया था। और कहना चाहिए कि ये उपासना मतलब अच्छा होता है, और मैंने ये अपने मतलब ये नहीं कि मेरी कोई मनोकामना पूरी हो, कुछ ऐसा हो नहीं, बट मेरी इच्छा में था कि हाँ मुझे रखना है तो रखना है, तो फिर मैंने रखा। चलिए घर जाके मिलते हैं। तो अभी देखिए हम घर आ चुके हैं, और उसके बाद आने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही बैठी थी धूप में, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा मेरे गीले थे। अभी साड़ी नहीं चेंज करूँगी, और आज मुझे 3 बजे अपने हॉस्पिटल भी जाना है, मतलब डॉक्टर से मिलने जाना है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे मैं बताऊँ कि बहुत हिम्मत करके मैं आज उठी थी, और मैंने कहा नहीं मुझे उठना है तो उठना है, अब डेली से यही करूँगी, कोशिश तो ही रहेगी। और आज कोहरा भी बहुत ज़्यादा, धूप भी अभी निकली है। तो चलिए अपना एक पहले वीडियो एडिट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा से आपसे मिलते हैं, है तब तक आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए सीधे फिर हम आ गए थे हॉस्पिटल, जो कि मैंने इसी वीडियो में आगे बताया कि मुझे आ जाना था, आपको मैं लास्ट में दिख रही होंगी। एक्चुअली मेरा नंबर बहुत पीछे था, 9 लेडीज़ के बाद मेरा नंबर आना था, तो बहुत वेट भी किया मैंने, और मुझे घबराहट हो रही थी। यहाँ आने के बाद घबराहट हुई है, पहले नहीं हुई थी। तो यहाँ पे जो मैं अपने हस्बैंड को बोलने आई थी, एक्चुअली अंदर जगह नहीं थी, वो बाहर ही थे। और साड़ी पहन तो लेती हूँ मैं, पर पेट में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि आपको पता है एक तो किडनी का ऑपरेशन हुआ है ना, तो जहाँ पे पेटीकोट का नाड़ा बांधते हैं वहाँ पे ना थोड़ा सा रगड़ लगता है, तो खुजली होती है। इस वजह से मैं ज़्यादा साड़ी तो पहनती हूँ, वियर करती हूँ, पर इतना ज़्यादा नहीं पहन पाती हूँ। और यहाँ पे देखिए डबल मार्कर का ही काफ़ी लोगों का पता है, कंपलसरी हर किसी का डबल मार्कर अब लिख दिया है। तो मैं एक दो लोग मुझे ऐसे मिले, तो मैं सबको यही बोल रही थी कि अगर आपका रिज़ल्ट क्या आया क्या नहीं आया, तो बहुत सारे लोगों पॉजिटिव आया था, बहुत सारे लोगों नेगेटिव आया था। ये करमचंद चौक कहाँ है पहले? जी हम एक बार अपने नहीं करवाई थे, तो चले सोनोग्राफी करा भाई, बोल तो रही अभी करा लो। तो चलिए अब हम घर जा रहे हैं, और फिर हम आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस वजह से कि मैडम ने ऐसा बोला। और अब मैं टारगेट स्कैन कराने जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो मेरा रिपोर्ट आया था उसको मैडम को दिखाना है, कल फिर मैं उनके पास गई थी, कल ही मेरा फास्ट था। घर में मैं बिल्कुल भी चेकअप नहीं करती हूँ बीपी, और ज़्यादा चेकअप भी नहीं करना है बीपी वगैरह। पर अभी जब मैं आंगनबाड़ी गई थी वहाँ पे मेरा 104 बीपी था, और कल भी ना सच में, अभी तो मुझे आज टारगेट स्कैन कराने जाना है, और कल भी मेरा बीपी ना मतलब 84 था। सोचिए कितना ज़्यादा लो था। फिर मैडम को मैंने बताया कि मैडम ये देखिए 84 था, ये देखिए आपको देखा मेरा बीपी इतना ज़्यादा लो था, 84 था। उन्होंने बोला कि तुम इतना ज़्यादा बीपी लो तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा नहीं है, तुमने नमक क्यों नहीं खाया। मैंने उनको बताया मैडम मेरा उपवास है, तो बोला कि इस हालत में पास करने की ज़रूरत क्या है। उन्होंने मुझे चिल्लाया बोले नमक तो ले सकती हो सेंधा अगर उपवास है, पर कहते इस फास्ट में मिठाई खाते एक टाइम नमक खाते हैं, और देव के टाइम भी मैं उपास थी, ऐसा नहीं है, तो ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ। बट हाँ अभी लगता है कि शायद
अभी पता नहीं क्यों मुझे अचानक से प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि एक ही दिन बस तो नमक नहीं खाया था, वो भी सुबह बस नमक नहीं खाना था, शाम को तो खाना था और सुबह को ही मैं गई थी। तो वही मैडम बोल रही थी बीपी लो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, खासकर बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, तो नमक लो। फिर भी मैं आई थी तो नमक नहीं ली, पहले थोड़ा सा रेस्ट किया था, उसके बाद मैंने खाना खाया था। मुझे थोड़ी सी अलग सी टेंशन हो रही है और भगवान मुझे माफ़ करना, मांगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी। वैसे उन्होंने मुझे कल ही टारगेट स्कैन लिखा था, कल की डेट में ही, कि तुम जाओ अपना टारगेट स्कैन करा के आओ। पर शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि सुबह से बिल्कुल कुछ नमक नहीं खाया था। मैंने खा तो लिया था, आलू फ्राई करके खा लिए थे और हल्की थोड़ी सी मूँगफली, बट वो नहीं लिया था, मैंने नमक नहीं लिया था। तो वही चीज़ है, आज मेरे को जाना है टारगेट स्कैन कराना है, तो थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। पता नहीं उन्होंने अभी क्यों बोला, वैसे तो अभी टाइम है टारगेट स्कैन कराने के लिए, है ना, 5-6 महीने के बीच में कभी भी कराते हैं, पर आज की डेट में कराना है, ये आपको बताना था। और गलती तो मैंने की है पर नहीं पता था मुझे। चलिए अब हम आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अभी मेरे ज़्यादा हाथ पैर ठंडे हो गए ना, बहुत ज़्यादा हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, क्योंकि टारगेट स्कैन है ना, इस वजह से।